क्या आप लोगों को पता है जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, मधुमेह की प्रॉब्लम होती है या शक्कर वाली बीमारी जिसको कहते हैं, हमारे पास ऐसे कुछ 5 तरह के नट्स हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। जिसको भी डायबिटीज़ होता है उसके लिए मेजर कंसर्न होता है कि वो क्या खाए क्या नहीं खाए, शुगर कब अवॉइड करना है, फिर कौन सा फैट लेना है, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन के टॉपिक होते हैं। आपको 5 ऐसे नट्स के बारे में बताऊंगी जिससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। 1 क्लिनिकल डाइटिशियन इन फोर्टिस हॉस्पिटल जो हमें बताते हैं ये 5 तरह के नट्स हैं, उनके कितने न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं। आइए हम जानें कि वो 5 कौन से तरह के नट्स हैं। फर्स्ट आता है आलमंड, बादाम। ये मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड, मतलब हेल्दी फैट होता है। इसमें फाइबर, विटामिन ई, मैग्नीशियम, विटामिन B12 इसमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है, जिससे आप फुलनेस की फीलिंग आती है। इन 2011 मेटाबॉलिज्म क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल में एक रिसर्च में पाया गया कि 12 वीक्स तक, मतलब 12 सप्ताह तक हमने जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ थी उनको हमने 12 हफ्ते के लिए बादाम खिलाया, उसके बाद हमने देखा उन पेशेंट्स में दिल का खतरा, मतलब दिल की बीमारी, और ब्लड शुगर कंट्रोल रहा। क्योंकि ये जो बादाम होता है वो हमारे जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, मतलब जो धमनियाँ होती हैं, उनको ब्लॉक करने का जो काम करता है, उस लाइपोप्रोटीन को वो कम करता है, उस लिपिड को वो कम करता है। इस तरह से बादाम आप खा सकते हैं, बट सॉल्टेड बादाम ना खाएं। सेकेंड आता है पिस्ता। पिस्ता में क्या होता है, इट हैज़ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसमें टीज वाले पेशेंट्स इसको खाते हैं, उसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसका स्टेटस इम्प्रूव होता है। थर्ड आता है वॉलनट्स। वॉलनट्स मीन्स अखरोट। अखरोट क्या होता है, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ ओमेगा 3। ये टाइप 2 डायबिटीज़ है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या करते हैं, हमारे हंगर को कंट्रोल करते हैं, हमारे स्किन को भी ये बेहतर बनाता है। और ये एसडीएल और एलडीएल, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो होता है उनको बना के रखता है। इसमें प्रोटीन होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और ये हमारी भूख को भी सप्रेस करता है। फोर्थ आता है फ्रेंड्स कैश्यू, मतलब काजू। काजू दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये भी एसडीएल और एलडीएल के रेशियो को मेंटेन करके रखता है। और इस पे भी जब एक्सपेरिमेंट हुए तो कुछ लोगों को लो कैलोरी वाले फूड और 6 हफ्ते के लिए काजू दिया गया, तो हम रिसर्च में ये पाया गया कि जो हम लो कैलोरी डाइट जिन पेशेंट्स को दिया जा रहा था उससे बेटर रिजल्ट आया, जिसको हम 6 हफ्तों से काजू खिला रहे थे जिन डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो उसमें हमें बहुत सारे जो ब्लड शुगर था वो ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल हो रहा था, और उनका वेट गेन भी नहीं हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिली। फिफ्थ आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीनट्स। फ्रेंड्स पीनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको डायबिटीज़ है आप तब भी खाओ, अगर नहीं है तब भी आप खा सकते हैं। हमारी ओबीस फीमेल पेशेंट्स थी, वो हमने कुछ हफ्तों तक पीनट्स खिलाए से हमें पता चला कि उनका वेट लॉस भी हुआ और साथ में ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहा। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जितने भी तरीके के नट्स हैं उन्हें हमें सोक करके खाना है, सॉल्टेड नहीं खाना है फ्रेंड्स। सॉल्ट के साथ उसे नहीं लेना है, या चाट मसाला कुछ स्प्रिंकल करके उसको नहीं लेना है। ये भी जब एक रिसर्च में देखा गया कि जिसने पेशेंट्स को सोक करके नट्स दिए हैं उसमें बेटर रिजल्ट देखे गए रादर जो बिना भिगोए हुए नट्स खाते हैं। जो सारे मैं वीडियोस बना रही हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज देने के लिए। नट्स आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, बट उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें, प्लस आपका आपके जो फिजिशियन आपके डॉक्टर जो बोलते हैं वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अकेले हम नट्स से ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल कर सकते। नट्स ऐसी चीज़ है कि अगर आप खाते हैं तो आपको भूख कम लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, विटामिंस होते हैं, थियामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे एपेटाइट को सप्रेस करती हैं, हमारी भूख को कम करती हैं, और हमेशा लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। उस वजह से हम जो चपाती, राइस, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको कम खाते हैं, और इस वजह से हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। अगर आप नट्स खा रहे हैं और साथ में उतना ही कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा। ये जब भी आपको फुलनेस की फीलिंग देता है तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने डाइट को कट डाउन करते हो, कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करते हो, तब वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बट साथ में अपनी मेडिसिंस और बाकी जो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं वो भी ज़रूर फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।